ॐ यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभन्ति स्थितानि च यत्रैवोपशममयन्ति तस्मै सत्यात्मने नमः ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयम् द्रष्टा दर्शनदेशभो कर्ता है यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः स्फुरन्ति शीकरा यस्मात् आनन्द शम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः ब्रह्मानन्दात्मने नमः वेदोदधिं समनमथ्या ज्ञानरत्नं समुद्रितम् येन तस्मै वसीताय गुरुणां गुरवे नमः वसिष्ठ जी भगवान की जय सद्गुरु भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय शब्द ब्रह्म की जय सरस्वती महारानी की जय योग वशिष्ठ जी भगवान की जय हरि हम कल देख रहे थे कि ये दुनिया बना कैसे, दुनिया का नाम दो, दो से दुनिया, दो मतलब कोई भी दो हो जाए, दो विषय हो, दो नाम हो, अथवा नाम और रूप हो, कुछ भी हो, और जो होगा उसका अपोजिट तो होगा, उसका जो विपक्ष वो जरूर होगा। इस ढंग से दुनिया बना है। दुनिया कैसे बना है ये सवाल का एक उत्तर नहीं है, इसका हजारों उत्तर है। कैसे दुनिया बना, एक ढंग से हम अगर शास्त्र पुराण वेद उपनिषद वगैरह को देखें तो अब ये दुनिया सब काल्पनिक लगता है, सब कल्पना से ही हुआ। पहले एक इच्छा प्रकट हुई जिसको हम कहते हैं परमात्मा का इच्छा अहम, और वो इच्छा ऐसा प्रकट हुआ कि एको हम बहुश्याम, एक हूं मैं अनेक हो जाऊं, अथवा मैं हूं मुझे मैं देखूं अनेक रूप में, और कैसे कैसे सब बहुत। एक पहले एक अंडा था, ब्रह्मांड अंड था, वो अंडा जब फूटा तो एक शब्द का स्फुरण हुआ, और वो शब्द से सारे संसार बना, जितने नाम रूप सब कुछ उस शब्द से बना, शब्द स्पंदन मात्र है। इस ढंग से देखेंगे तो जो शक्ति का सारा खेल मालूम होता है,
शक्ति मतलब क्या हुआ, शक्ति जो कोई होगा उसका जो स्वभाव होता है, उसका कुछ गुण होंगे और वो गुण को हम शक्ति अथवा स्वभाव के रूप में जानते हैं। और परमात्मा जो पहला कोई होगा, कोई तो जरूर होगा, और वो होगा जो हमेशा है। नहीं तो जैसे हम दुनिया में देखते हैं कारण और कार्य, कारण से कार्य बनता है, तो हर कार्य का, हर वस्तु का कोई ना कोई एक कारण बनता है, कारण फिर कार्य को अंजाम देता है और कार्य फिर दूसरे कार्य के लिए कारण बन जाता है। ये संसार चक्र ऐसे ही चलता है, अनेक चक्र सब चलते रहते हैं। इस ढंग से हम शब्द से ब्रह्मांड का उत्पत्ति मानते हैं, ब्रह्मांड फिर वो अंड से, फिर अंड जब टूटा तो आवाज आया, शब्द हुआ, और वो प्रथम शब्द हुआ, प्रणम नाम से जाना जाता है, और शब्द ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। और फिर उससे जो निकला, वो अंडे से जो निकला, वो अहम रूप, विराट रूप अथवा तेजस, विराट इत्यादि, हिरण्यगर्भ इत्यादि नाम से हम उनको नामकरण किए हैं। तो इसी ढंग से कितने अलग अलग तरीका से हम देखे हैं। और ये कल जो हम देख रहे थे, ये तरीका बड़ा विचित्र तरीका है, ये भी विचारणीय है। विचारणीय कैसे, हम देखते हैं सूरज है, सूरज को कैसे देखते हैं, सूरज का किरण से ही तो देखते हैं। अग्नि को देखते हैं, अग्नि का जो आलोक अथवा उत्ताप, उसका गुण से हम देखते हैं, उसका स्वभाव से हम उसको जो विषय वस्तु है उसको देखते हैं। जल को हम कैसे देखते हैं, जल का गुण से ही उनको समझते हैं हम। ऐसे ही सूरज को जब हम देखते हैं, किरण से देखते हैं, ये किरण आया कहाँ से, सूरज से निकल करके आया क्यों, उसका क्या कारण है। सूरज में अगर उसका स्वभाव है कि आलोक और उत्ताप, आलोक का रेखा किरण के जाल सब उसके अंदर है, तो बाहर क्यों निकलता है। अति सरल उत्तर है इसमें, क्योंकि अंदर समाता नहीं, इसीलिए तो बाहर निकल जाता है। दूध हम चूल्हा में बैठा रखे हैं, वो उफान क्यों आ जाता है, दूध उफान क्यों आ जाता है, नीचे क्यों गिर जाता है। अग्नि जलाने से नीचे वो उत्ताप के कारण उसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है और अपने आप में नहीं समाता है, इसलिए बाहर निकल जाता है। हवा चलता क्यों, क्योंकि एक जगह पर रुक नहीं सकता है, इसीलिए तो बड़ा सरल उत्तर है। एक कोई आदमी जा रहा था, कोई अजनबी है, जानता नहीं, वो किसी टाउन में जाकर पहुंच गया और अपने वहां पहुंच गया करके एक चिट्ठी डालना था अपने सगा संबंधियों को, तो चिट्ठी लिख करके जा रहा था पोस्ट ऑफिस में डालने के लिए। वो जानता नहीं, नया आदमी है, तो रास्ता में पूछा, भैया भैया, किसी को देखा, अरे भैया वो पोस्ट ऑफिस का रास्ता कहाँ है। पोस्ट ऑफिस का रास्ता वो कहा, इधर से ऐसा जाओ, उधर ऐसा मोड़ना, उधर से
जैसे बॉम्बे में बोलते हैं राइट मारना, राइट के बाद लेफ्ट मारना, लेफ्ट के बाद राइट मारना, फिर राइट मारना। तो ऐसे ही वो बोल दिया इधर से ऐसा ऐसा जाओ और हॉस्पिटल देखेंगे। हॉस्पिटल के सामने पोस्ट ऑफिस है। तो वो आदमी पूछा, भैया हॉस्पिटल कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ मिलेगा? तो वो बोलता है, अरे मैं बोला ना हॉस्पिटल के सामने पोस्ट ऑफिस है। अरे पोस्ट ऑफिस के सामने हॉस्पिटल है, एक दूसरे का कारण बन पोस्ट ऑफिस के सामने हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के सामने पोस्ट ऑफिस। तो ऐसे ही हम ये संसार का जो बनावटी ये बड़ा विचित्र विचित्र हमारे मन का सीमा के अंदर नहीं है, फिर भी हम कुछ विचार करते रहते हैं, कुछ सोचते हैं। समझने का तो मन का बस का नहीं है, फिर भी हम समझते हैं कुछ। तो वो कहा कि ये जो स्वभाव वो वस्तु के अंदर सीमित नहीं रहता है, इसलिए बाहर आता है। बाहर क्यों आता है, बाहर क्यों आ जाता है? बाहर इसलिए आता है कि अंदर समाता नहीं, इसीलिए बाहर आ जाता है। अच्छा, तो कहने का मतलब हम जो शास्त्र में पढ़ते हैं कि माया का क्या काम है, मल विक्षेप आवरण, तीन काम है। विक्षेप मतलब जो अंदर से केंद्र से बाहर को फैल जाना, बिखर जाना, उसको विक्षेप कहते हैं। और वही काम है स्पंदन का भी। स्पंदन, जब स्पंदन पैदा होता है तो विषमता पैदा होता है, बिखरता है और फिर समेटता है। जो बिखरेगा वो समेटेगा भी, इसीलिए उसी के क्रिया प्रणाली से स्पंदन से बनते हैं। और समता में जहां भी समता दिखाई दिया, उसी का नाम स्पंदन माने। तो उनका कहने का मतलब ये था, जब वशिष्ठ जी भगवान शंकर जी से पूछे, भगवान ये सृष्टि नाम रूप धारी जो सृष्टि है, ये कैसे सामने आया और इसका दृश्य जगत कैसे बना, ताकि हम परमात्मा को भूल करके इस जगत में फंस गए? कैसे ये आया, कहाँ से आया, इसका मूल कारण क्या है? तो भगवान यही उत्तर दिए कि ये जो परमात्मा है, जिनको हम समझ नहीं सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं, फिर भी कुछ अनुमान लगाते हैं, ये है कैसे, देखो अनुमान लगाओ, अंदाज लगाएंगे। अंधे भी तो रास्ता चलते हैं, नहीं चलते हैं? हम अंधे सब चलेंगे? एक लाठी चाहिए, लाठी ये खट खट करके अंदाज लगाएंगे, इधर हाँ इधर पैर रख सकता हूँ, और फिर आगे दूसरा पैर के लिए अंदाज लगा लेते हैं। अंदाज लगाओ, अंदाज क्या लगाएंगे, जहां तक मन जा सकता है। अति शुद्ध पवित्र सात्विक तीक्ष्ण कुशाग्र बुद्धि जिसका होगा, वो इसके बारे में थोड़ा बहुत अंदाज लगा सकता है। कुशाग्र, कुश का जो पत्ते होते हैं ना, उसके अग्रभाग बहुत बारीक होता है, कुशाग्र बुद्धि होना चाहिए। तो जो परमात्मा है वो कैसे होगा, जिसके बारे में हम जानते नहीं, परमात्मा कैसे होगा, इसके ऊपर कहानी है।
कहानी कैसे है, दो गांव के गंवार बड़े दोस्त थे। एक तो गांव का प्रधान था, महामूर्ख, पर मूर्खों के अंदर बड़ा मूर्ख है, इसलिए गांव का प्रधान बन गया। और उसका एक दूसरा मूर्ख भी बड़ा दोस्त था। दोनों एक बार बैठ के विचार कर रहे थे, अरे यार जिंदगी बीत गया, राजा का नगरी हम देखे नहीं, राजा कैसे होता होगा, और राजा का नगरी देखे नहीं हम, कभी जाना चाहिए यार। तो दोनों का प्लान बन गया, जाएंगे। एक दिन सुबह उठे और कुछ सत्तू सत्तू रास्ता में कुछ खाने के लिए सत्तू पानी होने रखे, चल पड़े जा करके। बहुत देर के बाद चलते चलते बहुत दूर जाने के बाद एक नगरी के आसपास में पहुंचे। लोगों से पूछे तो लोग कहे हाँ यही राजनगर है, राजा का नगरी यही है। तो जा करके जब नगर का सीमा में घुस रहे, डर रहे, राजा का नगर कोई कुछ बोल देगा, यहाँ क्या क्या चीज होंगे सब, कभी तो देखे नहीं जिंदगी, क्या होंगे सब, राजा तो बहुत बड़ा चीज होता है और यहाँ सब विचित्र चीज होंगे, हम लोग क्या करते बचपन में। बच्चे कैसे राजा के बारे में सोचते हैं, बचपन में चतुर्मास्या बारिश हो रही और थोड़ा ठंड ठंड हवा आ रहा है, हम क्या करते थे, थोड़ा कागज पुड़िया बना करके मुरमुरा खाते थे, तो आपस में बात करते थे, अभी राजा का लड़का क्या करता होगा, सोने के बर्तन में सोना का मुरमुरा खाता होगा, सोने का बना हुआ मुरमुरा खाता होगा। सोचना है, सोचने के लिए कोई बाढ़ बता, कोई नियम कानून नहीं होता है। तो ऐसे ही ये लोग बड़े डर के मारे अंदर जा रहे थे, इतना में वो जो गंवार था वो तो पीछे पीछे डर डर करके चल रहा था, और जो प्रधान था वो बुद्धिमान करके माना जाता है क्योंकि प्रधान है, वो आगे आगे चल रहा था, पर डर तो अंदर था, जा रहा था, इधर उधर देख रहे थे, कोई कुछ बोल देगा, कहीं कुछ चीज होगा, कैसे होगा पता नहीं। जा रहे थे तो आगे से कुछ इधर इनके तरफ आया हुआ कोई चीज को देखे, दूर से देखे, दूर से देखे घबरा गए, बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा विशाल का एक कुछ चीज को देखा। तो पीछे चल रहा था डर के मारे, वो गंवार पूछता है, सियाणा जी सियाणा जी देखो देखो आगे कुछ विचित्र चीज है, कभी हम देखे नहीं थे, राजनगर है, ऐसा ऐसा चीजें मिलेंगे देखने के लिए, देखो तो वो क्या चीज है, आप तो जानते होंगे, आप चालाक हैं, क्या चीज है। तो प्रधान बोलता है, अरे मूर्ख है, इसको देखा नहीं कभी, ना नहीं कभी नहीं देखा, तो ये चीज ऐसा ही है रे, ऐसा ही है, ऐसा राजनगर में जाने से ऐसा ऐसे चीज मिलते हैं, देख देख ऐसा होता ही है, ऐसे ही होता ही है। तो फिर वो और थोड़ा आगे गया तो गंवार बोल रहा है, प्रधान जी देखो ये बड़ा विचित्र चीज है, इसमें चार खंबे लगे हुए हैं, चार खंबे, मोटे मोटे खंबे लगे हुए हैं चार, वो फिर वो खंबे ऐसा नहीं आगे पीछे उतरते हैं। अच्छा, तो प्रधान कहता, अरे मूर्ख, ऐसा जो होता है ना
ऐसा को चार ऐसा होगा, इतना नहीं समझता है। ऐसा को ऐसा चार होते हैं, देख समझ। और आगे गए, प्रधान जी देखो, इस एक के अंदर ये चीज में कुछ एक सांप एक लटका हुआ है। एक सांप देखो वो कैसे ऊपर उठता है, कभी कभी इधर जाता है, कभी नीचे आता है। ये कैसा सांप के जैसे कुछ लगा हुआ है इसमें। सलाम मुरख, मैं बोला ना ऐसा जो होगा ऐसा को चार ऐसा होगा और ऐसा भी एक होगा, वो ऊपर नीचे होगा। हाँ जी, समझता नहीं तो फिर। और अभी देखो देखो प्रधान जी, अरे इसके ऊपर दो पंखे बड़े बड़े सुपा लगा हुआ है, वो आगे पीछे ऐसा हो रहा। ये तो बड़ा विचित्र चीज, क्या है वो दोनों। तो फिर डांट पड़ा, अरे मूर्ख तेरे को बताया ना, ऐसा जो होगा ना इतना बड़ा एक चीज होता है, उसमें चार ऐसा ही होगा, एक ऐसा भी होगा और ये दो ऐसा भी होंगे। अच्छा, अरे देखो देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तब वो प्रधान बार बार डांटता रहता, मूर्ख हाँ तुम समझते नहीं, अरे ऐसा जो होता है ना, ऐसा राजनगर होता है और राजनगर में ऐसा चीजें होते हैं और ऐसा को ऐसा सब होते हैं, इसको देखो समझो और मान लो। दोनों मूर्ख को कुछ नहीं जानते ये चीज क्या है, कभी जिंदगी में देखे नहीं। तो ऐसे ही हम परमात्मा के बारे में बड़ा चर्चा करते हैं और एक समझदार बन करके लेक्चर देता है, दूसरे लोग सुन करके समझते हैं उसको। उसको तो समझ समझ गया, ऐसा ऐसा क्या वो हाथी के बारे में बता रहा। एक इतना बड़ा कड़ाई देखो, वो कड़ाई में चार खंभे लगे हुए। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो चीज कभी हम समझ नहीं पाएंगे, समझ के बाहर कहा गया, उसी के ऊपर हम बहुत चर्चा करते हैं और उसको समझ जाते हैं। इतने हम बुद्धिमान हैं, जो बुद्धि से परे हैं उसको हम समझते हैं, बुद्धि से पकड़ लेते हैं, इसीलिए माना गया ऐसे ही अंदाज लगाओ। जो बोलने वाला एक गधा है और सुनने वाला गधा है, दो गधा गोपाल नंदन, दो गधा दो गोपाल नंदन। तो कहते हैं वो जो अति प्रकाश पुंज जो है, जिसको हम कभी ना सोच सकते हैं ना कभी देख सकते हैं, वो अनुभव गम्य है। वो प्रकाश ऐसा है कि स्वयं प्रकाश है, उसको प्रकाशित करने वाला और कोई नहीं होगा, क्योंकि कारण और कार्य तो दो में बनता है और जब एक में पहुंच जाते हैं आखिर, तो उसका कारण कोई नहीं, वो कारण अपना कारण बन जाता है। इसीलिए एक में कोई कारण नहीं होता है, कार्य नहीं होता है। वो परमात्मा जो प्रकाश पुंज है, वो अपने प्रकाश को अपने प्रकाश से देखता है, ऐसा मान लो। जैसे दीपक को देखने के लिए दूसरा दीपक का जरूरत नहीं पड़ता है, वो अपने आप दिख जाता है स्वयं प्रकाश। वैसे ही परमात्मा स्वयं प्रकाश होने से वो उसके अंदर जो प्रकाश है वो अपने आप में नहीं समाता है, वो प्रकाश फिर
विक्षेप में बदल जाता है, वो उसका स्वभाव है, मान लेना है क्यों है कैसे है वो सवाल नहीं है। पानी ठंडा क्यों हुआ, अग्नि गर्म क्यों हुआ, इसका उत्तर एक ही है, क्योंकि ये ऐसे ही है। इसको ऐसा को ऐसे होता है, ऐसा को ऐसा होता है, इसलिए पानी ठंडा होता है और अग्नि गर्म होता है, पेड़ ऊपर को उगता है, पत्थर नीचे गिरता है, क्यों, क्योंकि ऐसे ही होता है। ये इसी को हम प्रकृति कहते हैं, स्वभाव कहते हैं, परमात्मा का ये स्वभाव है। तो ये स्वभाव से वो जो प्रकाश पुंज का प्रकाश विकिरण होता है, जो बिखर जाता है, अपने अंदर ही बिखरेगा, कहीं बाहर नहीं, क्योंकि वह दो नहीं है, एक होने से सर्वव्यापक, जहां तक तुम सोच सकते हो वहां वो है। तो वो सर्वव्यापक होने से, स्वयं प्रकाश होने से, अपना प्रकाश अपने आप में फैलते रहता है, और वो प्रकाश जहाँ प्रकाश होगा उधर अंधकार होगा ही, वो प्रकाश का प्रतिबिंब अपने आप में देख करके उसी को ही वो नाम रूप का तंक भावना में बदल देता है, नाम और रूप में बदल देता है। और वो भी क्यों कैसे, वो स्वभाव है, उसको उसी को तो माया कहते हैं, और उसी को हम कहते हैं मूल प्रकृति, अथवा जो इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, जो कुछ कहेंगे हम ऐसे ही मूल रूप से समझ जाओ, जो समझ के परे है उसको मूल पर समझो, क्योंकि वो अपने आप में समाता नहीं, तो वो अपने अंदर ही अपने आप को बिखर देता है। जैसे आप अपने को देखते हो, अनेक रूप में देखते हो, हाथ पैर आंख कान नाक के रूप में अपने को देखते हो, ऐसे ही परमात्मा अपने आप को जो अन्य के रूप में देखता है, अलग से देखता है, अपने अंदर ही अपने को देखता है। जैसे मैं अपने को देखूंगा तो हाथ को मेरे से अलग रूप से देखता हूँ, जो अलग नहीं है, ऐसे ही परमात्मा अपने आप को देखता है, और वो उसका प्रकाश पुंज है, वो अपने आप में समाता नहीं, इसीलिए ऐसा होता है। देखो क्यों नहीं समाता है, तो देखो ना सब जगह पर, तो ये तो हम देखते हैं, वो उसका स्वभाव है, क्यों सवाल नहीं होता है। क्या कोई ऐसा प्रकाश तुम देखे हो जिसका किरण बाहर नहीं जाता है, ऐसा कोई दीपक, कोई मोमबत्ती, कोई पेट्रोमैच, कोई बिजली का बल्ब होगा, कोई कुछ होगा, कोई प्रकाश ऐसा देखे हो जिसका प्रकाश बाहर नहीं जाता, मतलब प्रकाश का स्वभाव है। प्रकाश का स्वभाव बाहर बिखरेगा, बाहर मतलब अंदर, बाहर मतलब अंदर, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। हम दीपक को देखते तो उसके अंदर बाहर समझते हैं, जहां सीमा होता है, जहां हम असीम को सीमा में सोचते हैं, वहां अंदर बाहर का सवाल उठता है, जहां वो एक ही होगा उधर अंदर बाहर नहीं। इस ढंग से जो किरण विकिरण होता है, जो फैल जाता है, उसका प्रकाश होगा तो छाया भी होगा, वो छाया ही उसका प्रतिबिंब है, और अपने आप को वो इस ढंग से देखता है, वो देखने का प्रक्रिया वो नाम रूप
के रूप में दिखता है और उसी का नाम संसार है। तो इस जो दृश्य जगत को हम देखते हैं ये परमात्मा से कतई भिन्न नहीं है, किसी भी हालत में अलग नहीं कर सकता इसको, मेरे से मेरा आंख को तुम अलग नहीं कर सकते, मेरे से मेरा नाक को अलग नहीं कर सकता, मैं ही तो नाक हूँ, कान हूँ, आंख हूँ। ऐसे ही परमात्मा संसार को रचाया, ये एक तरीका है सोचने का, जो सोच के परे उसको हम सोचते हैं ऐसा। ये सबसे उच्च कोटि का सोच है, ऐसे ही शास्त्र सर्वत्र करते हैं, इसके ऊपर और कुछ सोचा नहीं जा सकता। आप ही तो बोल रहे थे ये भावनाओं का कोई अंत नहीं और कोई नियम नहीं, कोई सीमा नहीं। अरे असीमता तो इसका सीमा है। कुछ भी सोचो। ऐसे ही तो सोचा जाता है, हम असीम को सोचते हैं, ऐसे ही सोचा जाता है। ये एक तरीका भगवान शंकर वशिष्ठ जी को समझाते हैं। इस रूप से नाम रूपधारी संसार का सृष्टि हुई, इसको हम कल विचार कर रहे थे, क्योंकि चित्त से भिन्न दूसरा कुछ भी चैत्य पदार्थ नहीं हो सकता, इसलिए चित्त और चित्त्यातंक समस्त जगत भी चित्त्यातंक एकमात्र चिन्ह मात्र स्वरूप होकर ही स्थित है। ये शब्दों को थोड़ा समझना, चित्त्य चित्त चित इत्यादि शब्द, चित मतलब चेतन, जो अवेयरनेस कहते हैं, जो जानकारी मतलब एक ज्ञान, अपना ज्ञान अपने का जो होता है उसको चेतन कहते हैं, और वो जब रूप लेता है एक अहम के रूप में मैं हूं, तो उसका नाम चित्त होता है और हूं का नाम अहंकार होता है, और वो फिर जो काम करेगा उसको कहते हैं चैत्य, और ये शक्ति को चित्ती बोलते हैं। ये शब्द का ऐसा अर्थ, चित्त चित्ती चित्त और चैत्य, चैत्य मतलब संसार, चित्त मतलब हमारा जो हम जानते हैं मन का सूक्ष्मता में हिस्सा, जहाँ सारे यादगारियां और जो संस्कार हमारा सब सूक्ष्म रूप से रहता है, और चित्ती वो शक्ति है जो बिखर करके नाना नाम रूप को धारण कर लेता है, चित्ती शक्ति का नाम, और उसका आधारभूत जो ज्ञान है परमात्मा का स्वरूप उसको कहते हैं चित्त, सत चित आनंद, चित्त जो है वही सत्य है, वो कभी कहीं पर उसका अभाव नहीं होता है, सर्वव्यापक होता है, और वो अपने आप को जानने से उसको ज्ञान रूप हम मानते हैं, चित्त बोलते हैं, सत्य मतलब जो है, और आनंद मतलब उसका जो संतोष दिखता है कि मैं हूँ, मैं तीन काल में हूँ, तीन काल में मेरा नाश नहीं हो सकता है, ये जो संतुष्टि, इसी का नाम आनंद है, इससे बढ़कर के कोई सुख नहीं हो सकता, इसीलिए सत्य चित आनंद एक ही चीज का नाम, जो परमात्मा के नाम से परम ब्रह्म के नाम से हम जानते हैं। हाँ जी,
चित्ताकाश किसे बोलेंगे? धीरज रखो, धीरज जी स्वामी, जी स्वामी जी। धीरज। इतने उतावली मत करो। क्योंकि चित्त से भिन्न दूसरा कुछ भी चित्त पदार्थ नहीं है। चित्त मतलब ज्ञान जो है, जिसका अनुभव करता है कि मैं हूं। तो उसका जो जो काम है चित्त मतलब संसार बढ़ना, एक हम बहुश्याम बढ़ना है उसका स्वभाव। वो जो बढ़ोतरी है उसी का नाम चैत्य है, वही कार्य है उसका। देखो मन को, चित्त को देखो अपना, वो बढ़ते जाता है। मतलब हमेशा भावनाओं का शोध कभी नहीं बंद होता है, और वो बढ़ रहा है। मतलब जैसे नदी आगे बढ़ती रहती है, वो स्थिर नहीं रह सकता है। तो ऐसे ही चित्त का स्वभाव, मन का स्वभाव, वो बढ़ता जाता है। ये बढ़ने का जो प्रक्रिया है उसी को कार्य कहते हैं, और कर्म भी कहते हैं। कर्म और कर्म फल उसी का होगा, वही कर्म समय के अनुसार फिरे, उसका परिणाम रूप में कर्म फल बन जाता है। तो ये जो चैत्य पदार्थ, ये दूसरा नहीं है, वही है। इसको समझना थोड़ा कठिन होता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, एक कमरा, बंद कमरा, चारों तरफ से ऊपर नीचे चारों दीवार अगर बनाया जाए जो लेंस से, दो किस्म का अवतल और उत्तल लेंस होता है, कनकेव कन्वेक्स लेंस होता है, छोटा बड़ा साइज को लगा दो, चिपका दो सारे कमरे में, नीचे ऊपर बाहर, मतलब चारों दीवार में, सब जगह पर लगा दो, और उसमें जा करके तुम खुद खड़ा हो जाओ, नहीं तो कोई एक कोई वस्तु रख दो, उस वस्तु का कितने प्रतिबिंब देखोगे, कितना देखोगे और किस साइज का देखोगे। अनंत अनंत जहां देखोगे उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर दिखेगा, और एक का प्रतिबिंब दूसरे प्रतिफलित होता दिखेंगे। छोटे के अंदर बड़ा, बड़ा के अंदर छोटा, स्पष्ट के ऊपर ऊपर अस्पष्ट, और उससे और अस्पष्ट बड़ा दिखेगा। कोई कोई साफ दिखता है, कोई थोड़ा सा झांसा दिखता है, कोई कैसे दिखता, कोई कैसा दिखता, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। अनंत दिखेगा एक दूसरे से प्रतिबिंबित होकर के। ऐसा ही ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि जहां देखो वहां प्रतिफलित होता है। तो परमात्मा अति सूक्ष्म, अति अति पवित्र होने से, अति पवित्रता का भूलना नहीं, अति पवित्रता मतलब एक ही है और प्रकाश पुंज है, इसलिए पवित्र है। पवित्र मतलब एक ही होगा, उसके अलावा दूसरा नहीं होगा। ये अनेक जो हम प्रतिबिंब देख रहे हैं, ये कारण क्या है? ये जो लेंस लगा रखे हैं, लेंस में प्रतिबिंब होता है क्योंकि बहुत ही साफ है। वो लेंस में क्या दिखेगा? दर्पण में भी हम प्रतिबिंब को देखते हैं। दर्पण में खाली नहीं, कोई मार्बल अगर होगा बहुत रगड़ रगड़ के गए, खूब उसको मुलायम किए हैं, उसमें भी अपना परछाई दिख जाता है, कहीं पानी में भी दिख जाता है, कहीं और कांच में, कहीं कोई ये टीन का टुकड़े में भी, उसमें भी दिख जाता है। जो
ऐसे ही साफ ज्यादा होगा, मिट्टी में नहीं दिखेगा, इसीलिए कि वह ज्यादा स्थूल और गंदा है, इसीलिए उसमें बहुत सारे चीज मिला हुआ है। और इसका जो तल है, इसका जो सरफेस है, वो अति साफ होने से, उसी दर्पण में जिसमें देख रहे हो अपना मुख, उसमें अगर मिट्टी पड़ गया, धूल जम गया था, भाप जम गया, तो उसमें अपना दिखता नहीं। मतलब सफाई का नाम पवित्रता, और उसमें जितनी साफ होगा और जितने उसमें स्वच्छता आएगा, उसमें उतना प्रतिबिंब साफ दिखेगा। ये हमारे साधारण जो दुनिया में, व्यवहारिक दुनिया में हम देखते हैं, परमात्मा भी ऐसे ही है। व्यवहारिक दुनिया में जितना जहां पर भी देखो उधर उदाहरण मिल जाएगा, और वो उदाहरण परमात्मा में इसीलिए खपता है आंशिक रूप में, इसीलिए कि ये व्यवहारिक दुनिया नाम रूपात्मक ये परमात्मा से अलग नहीं है, इसीलिए उसका सारे गुण इस दुनिया में दिखता है। ये लड्डू मीठा क्यों है? क्योंकि परमात्मा मीठा है। आकाश नीला क्यों है? क्योंकि परमात्मा नीला है। नीला अपना मतलब रंग नहीं है जिसमें। और फूलों में ये खुशबू क्यों आ रहा है? क्योंकि परमात्मा में खुशबू है। जो कुछ हम देख रहे हैं वो सब परमात्मा से, मूल भूत जो सत्य है उसी से सब उधार लिए। अरे अल्लाह, तो इस रूप से हम अभी थोड़ा बहुत समझ रहे हैं कि ये जो चित्य पदार्थ, मतलब जो ये प्रतिबिंब, जो नाम रूप परमात्मा का जो स्वभाव है, ये जो प्रकृति है, इसमें जो कर्म और कर्म फल अथवा इसका बढ़ोतरी प्रगति ये सब दिख रहा है, ये सब उससे अलग नहीं है, अलग नहीं है। इस रूप से समझो, ये जो लेंथ है उसके अंदर अपना प्रतिबिंब को इधर उधर देख रहे हो, अनेक रूप में देख रहे हो, कोई एक से दूसरा अलग नहीं है, एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे से अपेक्षित है, अलग नहीं है। अब आए ये सारे जो दिख रहा है, ये सारा दुनिया कहां दिख रहा है, इसका आधार कौन है, इसको कौन पकड़ रखा है? हमको तो कुछ दिखता नहीं, दिखता नहीं। कैसे देखो ना, आकाश के अंदर सब चीज है, आकाश के अंदर सब चीज है। ये जो मकान में हम बैठे हैं, ये क्या आकाश के अंदर नहीं? धरती आकाश के अंदर नहीं? अरे कितने करोड़ों ऐसा धरती सब आकाश में लटके हुए एक दूसरे को ऐसे ही आपस में खिंचातानी के रूप में, जैसे दो बच्चे पैर को पैर जोड़ करके, हाथ को हाथ लगा कर बांध करके घूमते हैं आपस के चारों तरफ और गिरते नहीं वैसे ही सारी दुनिया घूमता रहता है अपने चारों तरफ भी, और सारे दुनिया में कोई कहीं एक दूसरे से टकराते नहीं, इसीलिए एक दूसरे को पकड़ रखे हैं। तो इस रूप से हम देखते हैं कि आकाश सबसे ज्यादा, धरती को किसने थामा?
धरती जल के अंदर है और जल अग्नि के अंदर है। धरती से हम कहते हैं 2.5 गुना ज्यादा बड़ा, पर ये दार्शनिक रूप से कहा गया है धरती से 7 गुना ज्यादा जल है और जल से 7 गुना ज्यादा विस्तृत अग्नि है जिसके अंदर ही जल है और अग्नि से ज्यादा 7 गुना आयतन में ज्यादा बढ़ करके वायु है जिसके अंदर ही अग्नि, अग्नि के अंदर जल, जल के अंदर धरती और ये जो वायु है इससे और ज्यादा 7 गुना बढ़ करके आकाश है और वो आकाश में सब चीज लटक रखे हैं। आकाश शून्य होता हुआ भी ठोस है, सॉलिड है और इसके अंदर जो कुछ दिखता है, जैसे हम एक पत्थर के अंदर लकीर भी दिखता है और उसके अंदर सफेद पना, कहीं काला पना, कहीं लाल पना भी दिख जाता है, वो सब उसी के अंदर का है। तो आकाश में ये जो नाम रूप सब हम देख रहे हैं, कितनी धरती, कितने नक्षत्र, कितने ऐसे ब्रह्मांड सब आकाश में लटके हुए हैं और ये सब आकाश ही इसका आधारभूत है। ये आकाश परमाकाश स्वरूप ब्रह्म का संकल्प ही बहुश्याम प्रजा ये जो बहुश्याम प्रजा ये बहुत प्रजा, प्रजामान जो जन्म लिए कोई खास नहीं कि हम जैसे पैदा होते हैं जन्म लेते हैं। 4 किस्म के जीव होते हैं, एक तो जरायु जो गर्भ से निकलता है जैसे मनुष्य लोग हैं और दूसरा होता है अंडज, अंडा पहले बनेगा अंडा से निकलेगा और दूसरा तीसरा होता है स्वेदज जो जल से, पानी से, गंदा गंदगी से निकलते हैं जैसे मान लो जुए या दिलचटे ये सब होते हैं, ये सब स्वेदज होते हैं और उद्भिद जो नीचे से ऊपर को उठते हैं बीज से पैदा होते हैं। तो इसके अलावा भी मनसी जो होते हैं, मनस से जो जात होता है, हम ज्यादातर 4 किस्म के जीवों का हम चर्चा करते हैं और जो मनसी जो होते हैं मन से जो जात होते हैं जिसके अंदर जैसे बसीर जी हुए और हमारे नारद जी हुए, सनक इत्यादि 4 भाइया हुए और अनेक प्रजापति हुए, ये सब ब्रह्मा के मन से पैदा हुए। ब्रह्मा भी परमात्मा का मन का स्वरूप है, ये इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति है और ज्ञान शक्ति है। वह अगर रूप लेता है उसी को हम ब्रह्मा कहते हैं और वो रूप, रूप खाली बोलने के लिए बोलते हैं, नाम देने के लिए, लेकिन वो हमारे दृष्टिगोचर होना, हमारे स्थूल दृष्टिगोचर होना असंभव है। सूक्ष्म दृष्टि से देख सकते हैं, ज्ञान दृष्टि से देख सकते हैं। अच्छा, ये आकाश जो हुआ ये परमाकाश क्या कहा? परमाकाश मतलब जो आकाश से दूसरा और कोई नहीं होगा, जो सर्वव्यापक होगा उसको परमाकाश कहते हैं। तो क्या ये जो हमारे आकाश हम देखते हैं जिसको हम जानते हैं उस वो क्या परमाकाश नहीं, इससे बढ़कर के कोई आकाश होगा? आप तो बोल रहे वायु का 7 गुना, ये तो इधर सीमांकन कर दिया। तो
यह असीम कैसा होगा? तो उसको कल्पना तो करना है कल्पना तो करना है, इसलिए करो कल्पना। तो कल्पना जो करते हैं, आकाश का जो कल्पना है, ये आकाश है करते हैं। तो वो कल्पना आकाश से भी तो बड़ा होगा, इसलिए उसको कहते हैं वासना आकाश। वासना आकाश जो इस आकाश को भी अपने अंदर पकड़ रखा है। वासना आकाश का कोई सीमा नहीं। जो ऐसे कीर्ति ने भूत आकाशों को पकड़ रखा है। वासना आकाश कैसे है? उसको अति सूक्ष्म विचार से समझा जा सकता है। वासना मतलब देखो, इसको समझाने के लिए एक उदाहरण। ये बिल्डिंग में आप बैठे हो, ये स्थूल रूप देख रहे हो। अच्छा, ये किससे बना है? ईंट पत्थर मिट्टी भोकिया सीमेंट और चूना जो भी होगा, इससे बना है। क्या ये रूप एक दिन में अचानक ऐसा दिख गया? ये समय लगा। इसको कैसे बनाया गया? ये स्थूल पदार्थों को इकट्ठा किया गया और विशेष रूप से इसको आकार दिया गया, इसीलिए इसको हम कहीं खोखला है, कहीं ठोसा है, कहीं कुछ है, इसको हम मकान बताते हैं, इमारत बोलते हैं। इसके पहले इसका क्या स्वरूप था? इसका स्वरूप था, यह अचानक नहीं हुआ, इसका स्वरूप एक कागज में ड्राइंग था। उसका दूसरे एक दूसरे को समझाने के लिए वो ड्राइंग जरूरत पड़ता है। वो ड्राइंग कौन क्या बनाया था? वो ड्राइंग आर्किटेक्ट बनाया था। वो आर्किटेक्ट कैसा बनाया? वो ड्राइंग को कहाँ से लाया? ड्राइंग मतलब खाली रेखा है, रेखाएं है। अभी ये मकान भी रेखांकित है, देखो जहां तहां सब रेखाएं दिखाई देंगे और रेखाएं सीमा को दर्शाते हैं, इसके अंदर इतना है। और ये रेखांकित जो चित्र है, ये चित्र पहले कागज में था, उसके बाद ये रूप लिया। उसको एक दूसरे को समझाए, मिस्त्री को ठेकेदार समझाया, ऐसा बनेगा। ठेकेदार खड़ा हो करके मिस्त्री को बताते रहा, इंजीनियर बताया, तब मिस्त्री उसको आकार दिया। और वो आकार सब रेखा से अंकित था कोई कागज के ऊपर, जिसको इंजीनियर पहले समझा। और इंजीनियर के पहले वो जो आर्किटेक्ट था उसको वो रूप दिया, ब्लूप्रिंट करना है इसको। तो वो जो आर्किटेक्ट है वो कहाँ से लाया इसको? उसके मन में था। वो मन में कहाँ से लाया? वो मन में उसका कोई डाला है। कौन डाला? जिसको मकान चाहिए, जिसको मकान चाहिए। स्वामी जी का ये बिल्डिंग, स्वामी जी को क्या क्या जरूरत है, वो चाहते हैं क्या, उसको आर्किटेक्ट चंद्रशेखर जी आकर के स्वामी जी से पूछे, आपको क्या क्या चाहिए? तो स्वामी जी बोले, मेरे को एक बेडरूम चाहिए, बेडरूम के पास एक पूजा रूम चाहिए, और ये बेडरूम के अंदर अलग से मेरा कपड़ा उपड़ा रखने के लिए एक स्टोर जैसे चाहिए, और एक बाथरूम भी चाहिए, और मुझे एक रसोई, मैं तो साधारण भोजन नहीं कर सकता,
मेरे को एक छोटा सा रसोई भी चाहिए और मुझे लोगों को मिलने के लिए एक मीटिंग हॉल चाहिए, अरे बनना चाहिए जहां से मैं खड़ा होकर के गंगा जी का दर्शन कर सकूं। आशा जब बताए सारा तो फिर ये सारे चीजों को वो आर्किटेक्ट दिमाग में रख करके एक चित्र का कल्पना किया, ऐसा ऐसा होगा और उसका लंबा चौड़ा वो सब कल्पना किया। ये कल्पना पहले था तभी उस कल्पना को एक आकार दिया जो ब्लूप्रिंट कहा जाता है, वो जो कल्पनाओं को वो आकार दिया। वैसे ही ये संसार समझो, ये संसार का जो हम देख रहे हैं ब्लू, ये जो आकार देख रहे हैं, ये किसी इंजीनियर ने किसी मिस्त्री को बता करके कोई ठेकेदार को दिया, वो विश्वकर्मा था, उसका नाम विश्वकर्मा जो विश्व को बनाया हर चीज को बनाने में सक्षम है, और वो विश्वकर्मा बड़ा भारी इंजीनियर है, ठेकेदार भी है, और उसके पहले विश्वकर्मा को कोई ब्रह्मा तैयार किया, उसको पढ़ाया लिखाया सर्टिफिकेट दिया तो अभी तैयार हो गया और उसको उसके मन में डाला कोई ब्रह्मा ये ऐसा ऐसा बनाएंगे, ऐसा धरती बनेगा, ऐसा जल का एक आधार बनेगा, उसको समुद्र कहा जाएगा, और एक खड्डा खोदो, उस खड्डा में पानी भरो अथवा पानी पानी में मिट्टी का एक ढेला छोड़ दो तैरता रहेगा, जैसे सोचना सोचो। तो इस ढंग से ये पंचभूतों का कल्पना किया गया और कल्पना को फिर आकार देने के लिए नाम रूप धारी जो ये दृश्य जगत है उसको किसी ने एक, इसका कारण तो जरूर है, बिना कारण से कुछ नहीं होता, उसका हम अलग अलग ढंग से बोलते, कोई विश्वकर्मा कहेगा तो कोई कोई पांच भूत कहेंगे तो कोई और कुछ कहेंगे। तो इसके पहले ये भावनाएं सब, ये आइडिया अच्छा सा होगा, उसी के अंदर आकाश है, आकाश करके एक शून्य स्थल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ये सब अलग अलग ऐसा ऐसा, जैसे हम कमरे को सजाते हैं अपना कमरा को, यहाँ पर घड़ी रहेगा, यहाँ पर फोटो रहेगा, इधर ऐसा खिड़की रहेंगे, इधर ऐसा ऐसा रहेगा, ये जो घर के अंदर जो रूप हम बनाए सजावटी किए, इसके पहले कहाँ था वो सजावट, मन में था, तो उसी को तो वासना कहते हैं। तो वैसे ही ये जो आकाश और वायु और अग्नि और जल धरती बनाया गया, ये सब किसी के दिमाग में पहले था, उसी को कहते हैं वासना। वो दिमाग में ये आकाश है, उसी के दिमाग में अभी भी है, अभी ये जो मकान बना है वो कागज भले फट गया, वो चित्र रेखाएं सब कहीं दिमाग खा गया अलग बात है, पर ये आर्किटेक्ट के दिमाग से कहीं नहीं जाता है, कहीं नहीं जाता है, पक्का बैठ रखा है। वो आर्किटेक्ट अभी भी बता देगा कहीं दिल्ली में कहीं बॉम्बे में बैठ करके, ये अमूल जगह पर अमूल बीम होगा, अमूल जगह पर सेल्फ होगा क्यों, उसका दिमाग में इतना जबरदस्त बैठा था जिसको वो रूप दिया है। इसी ढंग से वो ब्रह्मा के, ब्रह्मा जो मन रूप है, वासना रूप है, उस वासना के अंदर ही आकाश है,
आकाश के अंदर, वायु वायु के अंदर, अग्नि इत्यादि इत्यादि, तो उसको कहते हैं वासना आकाश। वो वासना आकाश इस आकाश को, ऐसा करोड़ों आकाश को पकड़ सकता है, सोचना तो है। उसको कहते हैं वासना आकाश, और वो वासना आकाश है, उसको जो जानता है उसको कहते हैं चेतन आकाश। आकाश इसीलिए कहा गया, मैं आकाश शब्द का अर्थ समझाया था, पहले आकाश मतलब ज्ञान, ज्ञान जो असीम होगा और सर्वव्यापक होगा, ज्ञान का स्वरूप होगा उसको आकाश कहते हैं। और ये एक असीमता का जो ज्ञान है वो भूत आकाश जो वायु का जनक है, और उसके परे भी एक ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान, जैसे हम ज्ञान का अलग अलग स्वरूप को जानते हैं, कैसे आगरा देखे हो, देखे हो आगरा का चित्र देखे हो, या आगरा शहर में जो है वो क्या ताजमहल, उसको जाकर के अंदर से देखे हो, कैसे देखे हो आप, अंदर जाकर के सब चारों तरफ से देखे हो, पर मैं नहीं देखा, मैं तो चित्र में आगरा ताजमहल को देखा, और ताजमहल को देखा, आगरा को नहीं देखा। और जो ये देखो मेरा भी ज्ञान है, मैं बता दूंगा ताजमहल कैसा है, और आप जो जाकर के अंदर बाहर सब घूम करके देखे हो, आपका देखना मेरे देखना में अंतर है या नहीं? और ये जो ज्ञान, ये आपका ज्ञान मेरे ज्ञान में अंतर आ गया, हर पल में हर ज्ञान में अंतर है। और यही जैसे वासना आकाश, आकाश का ज्ञान से वासना आकाश का ज्ञान ज्यादा विस्तृत है, जो वासना आकाश भूताकाश को अपने अंदर है, और उसको दूसरे भाषा में भी समझना चाहिए कि जितना जो आयतन में आकार में बड़ा होगा तो उतना सूक्ष्म और उतना ज्ञान का सफाई होगा, क्लैरिटी होगा, ज्ञान का जो सफाई और अनुभवात्मक सफाई है वो एक दूसरे से ज्यादा साफ हो। कितना जोर से हल्ला करते हैं, क्यों हल्ला करते हैं, धीरे धीरे कोई सुन नहीं सकते हैं क्या? हल्ला में भी अंतर है, जोर से हल्ला करना और धीरे से हल्ला करना। सब चीज में अंतर है, भेद पैदा करना माया का खेल है। तो वासना आकाश अभी समझ में आया थोड़ा बहुत, जो मन में रहता है, और वो ऐसे करोड़ों आकाश को धारण कर सकता, और उसका जो अनुभवात्मक ज्ञान है, अनुभव क्या हो जाएगा, मैं ही अनादि अनंत सर्वव्यापक चित्त आकाश हूँ, आकाश मतलब ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, वो है चित्त आकाश, जिसके ऊपर और कुछ नहीं, ज्ञान रूप आकाश जो है, आकाश मतलब ज्ञान है, और जिसका ज्ञान स्वरूप इस ढंग से अनुभवात्मक ज्ञान है कि मैं ही आकाश हूँ,
तो उससे बढ़ करके कोई आकाश नहीं, और वही उसी को हम कहते हैं स्वयं प्रकाश और चिदाकाश, और वह सर्वाधार सबका आधारभूत है, और उसके धारण करने के लिए कोई नहीं है, और उसी को हम शास्त्र में सुने हैं, ये जिसको प्राप्त होने के बाद किसी और कोई प्राप्तव्य नहीं बच जाता है, जिसको जानने के बाद और कोई ज्ञातव्य नहीं बच जाता है, वो परमात्मा का, उसी को कहते हैं ब्रह्म ज्ञान अनुभवात्मक ज्ञान, और बाकी सब ज्ञान उसका ज्ञान का सीमा होगा, और वो ज्ञान सब सूचनात्मक अधाधुरा ज्ञान है, और वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। जो अपूर्ण है वही पूर्णता को प्राप्त करने के लिए बढ़ता है। तो आप ये भी सवाल कर सकते हैं, ब्रह्म मतलब सदा वर्धनशील, वर्धमान जो है वही ब्रह्म है, इसको जब बोलते हो तो ब्रह्म को पूर्ण कैसे कहते हो, क्यों कहते हो? ये सवाल क्यों नहीं पूछते हो? इधर तो कहते हो वर्धमान, बढ़ने वर्धनशील है, और उधर कहते हो पूर्ण, पूर्ण जो होगा वो वर्धनशील नहीं होगा, क्यों? जो आधा अधूरा है वही तो बढ़ेगा, इसीलिए कहा गया। जैसे आकाश में नीलिमा आप देखते हो जो रंग जो नहीं है, और जो मरीचिका के अंदर जो जल नहीं है उसको आप देखते हो, ऐसा ये वर्धनशीलता पूर्णता एक ही का नाम है, जो वर्धनशील नहीं है, जो बढ़ेगा नहीं उसी को बढ़ना कहते हैं। क्या ये जो घड़ी का सुई वो हमेशा बढ़ते जाता है या नहीं, बढ़ता है या नहीं, आगे बढ़ता है, तो कहाँ जाता है भी? जहाँ कहता है। ऐसे ही समझना, जो ब्रह्मन है वर्धनशील है वो स्थिर है, स्थिरता का नाम वर्धनशीलता। हम समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए कुछ न कुछ एक अवधारणा देने के लिए ऐसा शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो शब्दों का जो इशारा होता है और कुछ, इसको कहते हैं ये जो महावाक्य है, इनके शास्त्रों का सबसे बड़ा वाक्य जो उच्चारण हुआ है उसका शोधन करना, मतलब उसको सफाई करके वो क्या दिखाना चाहते हैं उसको समझना चाहिए, शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। यहां तक हम पहुंच सकते हैं, वर्धनशील मतलब नहीं है स्थिरता है, और स्थिरता मतलब वर्धनशीलता है, सब एक में समाहित है, एक में सब समाहित है। जैसे एक लेंस के अंदर एक तो प्रतिबिंब तो है, और उस प्रतिबिंब के अंदर अनेक प्रतिबिंब है, जितना देखते जाओगे उतना बढ़ते रहेगा, कहाँ बढ़ रहा है वो? उसी के अंदर तो है, बढ़ेगा कहाँ? इसलिए इसको अति सूक्ष्म बुद्धि से विचार किया जाता है, जी का नाम तो मनन है, श्रवण मनन, दूसरे चीज के बारे में भूल करके इसमें लगी रहना इंडिया, तभी जाकर के कुछ थोड़ा समझ में आता है। ऐसा समझना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए कि चारों तरफ अंधेरा हो जाए और कुछ
बस चक्कर आ जावे और गिर जावे, तब तब सोचना पड़ेगा, तब कुछ थोड़ा बहुत मन को कुछ धारणा आता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, अंदाज कुछ लगा सकते हैं। क्या बोले? ईश्वर अपने स्वरूप को जानता है कि मैं अनंत हूँ जी, जानता है, जानता है, कैसे नहीं जानेगा, कैसे जानता है? आप जैसे जानते हो, आप अपने को जानते हो ना, तो ईश्वर क्यों नहीं जानेगा? अभी तो ईश्वर स्वामी जी बोला है कि ईश्वर अनंत है, जो उसका कोई अंत नहीं मतलब जान सकता, तो ईश्वर फिर कैसे जान जाएगा कि उसका अनंत मतलब कहाँ तक है, क्या सीमा है उसका? आपका सीमा कहाँ है? शरीर में ही जितना है। नहीं, आपका मन, मन आपका है या नहीं? आपके अंदर आपका मन है, मन का कोई सीमा होता है क्या? आपके अंदर प्राण है, प्राण का कोई सीमा होता है क्या? आपके अंदर आनंद है, उसका कोई सीमा होता है क्या? आप अनंत हैं, आप जैसे अनंत है ईश्वर भी ऐसे अनंत है। आप क्या नहीं सोच सकते हो, क्या नहीं सोच सकते हो, जिसको किसी ने नहीं सोचा आप सोच सकते हो? कैसे? किसी ने नहीं सोचा उसको मैं सोच रहा हूं, शुरू हो गया। सोचना तो है, जिसको किसी ने नहीं सोचा उसको मैं सोचा। तो स्वामी जी मन तो बहुत कुछ सोचता है लेकिन पूर्णा पूर्ण नहीं होता। अरे उसी का नाम अनंतता है। अनंत और कहेंगे किसी को? आकार को थोड़ी अनंत कहेंगे, आकार तो आकार है, सीमा के अंदर है, उसको अनंत नहीं कह सकते। जिसका आकार नहीं है, रूप नहीं है और जिसका नाम नहीं है, वही अनंत हो सकता है। रूप मतलब हम सीमा में उसको बांध दिए, वो अनंत नहीं हो सकता है। अगर आप ईश्वर को दो हाथ वाला मान लेंगे, बांसुरी पकड़ रखा है, जोगेश्वर है, वो अनंत नहीं हो सकता है। उसका जो ज्ञान रूप है, उसका जो असली रूप है, वो अनंत है। तभी तो मैं बार बार कह रहा हूं ना, सूरज को हम देख नहीं सकते हैं, सूरज नहीं देखते हैं हम। सूर्य का केंद्र में जो सूर्य पना है, वो है सूर्य असली में, और उसका किरण को हम सूरज कहते हैं। सूर्य को कोई नहीं देख सकते हैं, खाली आंख में नहीं देख सकते हैं। देखना सूरज को अगर इसमें हल्दी पानी में कोई बड़ा थाली में देखते हैं सूरज का प्रतिबिंब, उसका एक मंडल दिखेगा जो जिसका कोई रंग नहीं, परमार कवर्णम, परमात्मा को कहा अर्क वर्ण है, उसमें कोई रंग नहीं हो, सफेद नहीं है। और सूर्य को कैसे पूजा किया जाएगा? सूर्य मंडल मध्यवर्ती जो सूर्य पना है, जो अहम है, उसी को पूजा करते हैं। जैसे हम लिंग के अंदर हम शंकर जी को स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ मान लेते हैं। शंकर जी का अगर रूप मानेंगे तो क्या वो पत्थर रूप है? पर हम उसमें उस भावना को स्थापित करके सोचते हैं। ऐसे ही जो मैं हूं, जैसे मेरा कोई अंत नहीं, रूप का तो अंत है, नाम का तो अंत है, और हर नाम हर रूप हर पल में बदलता जाता है। ये तो संसार का प्रक्रिया है, बदलता रहता है, नाम रूप बदल जाएंगे, और जो उसके अंदर जो मध्यवर्ती जो मेरा हृदय में जो केंद्रीभूत मैं हूं, वो नहीं बदलता है। इसीलिए कहा गया परमात्मा सबके अंदर बैठा है और वो
हृदय रूपी गुफा में, और मन क्या नहीं सोच सकता है, एक दिन क्या हुआ, मैं अपने को देख रहा हूं, मैं अपने को कैसा देखा, मैं मुझे खो दिया। सबसे बड़ा, आप कभी अपने को खोए हो? मैं मुझे खो दिया, तो खोने वाला कौन था? मैं नहीं था क्या? देखो क्या हुआ, मैं देख रहा हूं काली घनघट्टा, आधी रात अमावस्या का भयंकर काली मां चारों तरफ छा रखा है। हाँ, उस समय मैं कहीं जा रहा हूं, स्वाभाविक है रास्ता भटक जाना, क्योंकि घन घोर अंधकार छा रखा है चारों तरफ। मैं अपना पैर कहाँ डाल रहा हूं नहीं देख पा रहा हूं। एक तो अमावस्या रात, मध्य रात्रि, और उसके साथ साथ फिर काली घन घटा पूरा आकाश को छा रखा है, कहीं कुछ आलोक का नाम निशानी नहीं, तारा या और कुछ जुगुन भी एक नहीं दिख रहा है। ऐसा रात में कहीं मैं जा रहा था, रास्ता खो गया, और पता चला कहीं जंगल में मैं रास्ता भूल चुका हूं, जंगल में घुस गया। कभी नुकीला पत्थर में गिरता हूं, कभी कंटीली झाड़ी में घुसता हूं, कभी किसी खड्डे में गिर जाता हूं। ऐसे भटकते भटकते उसी अंधेरी रात में कहीं एक गुफा मुझे मिल गया, और वो गुफा के अंदर कैसे होगा, ये रात के अंदर जंगल के अंदर, और वो गुफा उसके अंदर किससे घना अंधकार छाया होगा। मैं अपने को बचाने के लिए उसके अंदर घुस गया। अरे अंदर घुस करके फिर मैं थोड़ा सा सुरक्षित अपने को माना, और फिर मैं अपने को ढूंढ रहा हूं। भाई अंधेरी रात, मैं कहा हूं, मुझे मैं देख नहीं पा रहा, मैं बहुत कोशिश किया मुझे मैं देखने के लिए देख नहीं पाया, और रो रहा हूं और सिर फोड़ रहा हूं, मैं गया कहा सिर फोड़ रहा हूं, रो रहा हूं, मैं कहाँ गया, मैं कहाँ गया, मैं मुझे खो दिया। रोते रोते नींद खुल गई। ऐसा अपने का आप खो जाते हैं कभी, तो ऐसे ही ये जो अनंतता है, मैं अनंत भी हूं, मैं शांत भी हूं, मैं सब कुछ जो क्या नहीं हूं, जिसको मन नहीं सोच सकता है, क्या नहीं सोच सकता मन, जब मन अपने आप को खो बैठता है और अपने आप को पा लेता भी, तो क्या नहीं कर सकता ये मन। मन का नाम ही माया है, अचिंत्य रूप चरित है। इस ढंग से आप सोचना, इसी का नाम मनन है, ऐसा सोचना, इसका कोई अंत नहीं, तभी तो कहते हैं अनंत कोई अंत नहीं, सदा वर्धनशील जैसे मन है वैसे ही माया है,
ऐसे ही परमात्मा है जिसको हम समझ नहीं सकते हैं, कोई कोई सिद्धांत में नहीं पहुंच सकते हैं, उसी को अनंत कहते हैं और उसी को असंख्य भी कहते हैं, जिसका कोई गिनती नहीं, कब तक गिनोगे, अनंत अपार, ये सब शब्द ही ऐसे ही है जिसका कोई अर्थ नहीं। सर्व सर्व क्या क्या अर्थ है, सब मतलब कितने कितने को सब उसके अंदर घुसाड़ोगे, ये कमरे में कौन है, सब कोई है, कितने हैं, सबके अंदर कोई गिनती करके कोई संख्या बतला सकते हैं क्या, तभी तो बोलते हैं सब। ये कुछ शब्द हम उसके जाल में फंस रखे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसको अर्थ समझते हैं हम। इसीलिए शंकराचार्य जी भगवान बोले हैं अर्थम अनर्थम भाव या नित्यम। ये सब जो हम सुनते हैं, जो देखते हैं, जिसको हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, उसका क्या अर्थ है, ये चिंतन करने से फिर आखिर में कुछ नहीं मिलता है, मन शांत हो जाता है। अब आकाश के बारे में आ गया समझ, प्रश्न करता परम आकाश। जी स्वामी जी, थोड़ा बहुत आ गया, लेकिन आप कहते हैं वैसे सोचना बहुत पड़ेगा। ये सब बहुत कठिन है स्वामी जी, बोलते हैं सोच सोच करके अपने को खो जाना, तभी तक कुछ समझ में आएगा। जी स्वामी, क्या समझे, क्या उत्तर दोगे, कुछ नहीं समझे, तभी तक कुछ समझ आया। आप जो कहते हैं वैसे ही चुप हो जाओ। चुप। मुंह खोले तो लगेगा एक ज्यादा। क्या समझा, मामूली लेकिन सोचने के लिए तो कोशिश जारी है, क्यों, क्योंकि चुप हो जाना इसीलिए। हाँ जी, तो परमाकाश स्वरूप ब्रह्म का संकल्प ही, ये संकल्प ही बड़ा विचित्र है। बहुश्याम प्रजा ये या इत्यादि श्रुति में दर्शित प्रथम संकल्प ही, पहला जो संकल्प परमात्मा का हुआ, तीनों जगत रूप होकर चिदाकाश में स्वप्न के सदृश स्वयं ही उत्पन्न हुआ, इसका कोई कारण नहीं, स्वयं भूत अभी तो होता है, अपने आप एक संकल्प के रूप में वो चिदाकाश के अंदर, ये एक जैसे आकाश में अचानक एक बादल का टुकड़ा कहीं दिख जाता है और थोड़े देर में फिर कहीं गायब हो जाता है, ऐसे चिदाकाश में ये संकल्प रूपी स्वप्न बादल दिखाई दिया। इसका कारण कौन कैसे, ये सब नहीं पूछना, इसको कहते हैं अति प्रश्न। ऐसे ही दिखाई दिया और वही बादल तो तुम खुद हो। तीनों जगत रूप होकर चिदाकाश में स्वप्न के सदृश, मैं जो स्वप्न उस दिन देखा था वो गुफा में मैं अपने आप को खो गया, वो कहाँ है, वो गुफा कहाँ है। परंतु है, क्योंकि मन सोचा उसको ऐसे ही दुनिया है, ये जो संसार है, नाम रूप धारी जो दृश्य जगत के अंदर हम अपने को और दूसरों को देख रहे हैं, ये ऐसे ही कल्पनामय है, स्वप्न के अंदर है, स्वप्न के सदृश स्वयं ही उत्पन्न हुआ है। स्वप्न को कौन बनाया,
सपने के अंदर जो बड़ी बड़ी हिमालय की चोटियां देखे हो तुम, और वो जो अंधकार को देखा था तुम सपने में, उसको कौन बनाया था? अंधकार को कोई बनाता है? तुम तो देखे थे, और कहां देखे थे? सपने में देखे थे। तुम जो सिर फोड़े थे, वो कौन डॉक्टर आकर के तुम्हारे सिर में पट्टी बांधा? ऐसे ही ये दुनिया है, कल्पना में, कल्पना में लटक रखा है। सीधा काश के अंदर जो जो वासना काश है, उसी के अंदर अनंत करोड़ों ब्रह्मांड का चिंतन होते रहता है, बढ़ते रहता है, स्वयं ही उत्पन्न हुआ है ये। वास्तव में द्वैतवादी द्वारा स्वीकृत सत्य वस्तु के सदृश यह सत्य नहीं है, ऐसा समझिए। जैसे सच है ऐसा मिथ्या नहीं है करके मान लो। मिथ्या जो है वो कुछ नहीं है, तो फिर मैं पूछा, आप बाजार जाए गए नहीं गए थे क्या कल? आप जब कहे नहीं, इसका मतलब हाँ गए थे। अपने आप समझ में आ जाएगा, जो है वो नहीं नहीं थे, है हो जाता है अपने आप। ये जो दुनिया को नाम रूप धारी, ये जो संकल्प रूप संसार को देख रहे हो, वह स्वप्न ही है, और उसी को आप द्वैतवादियों का संसार मान लो, और ये ऐसा ही है जैसे सत्य है। एक बार कभी स्वामी जी बोले थे, स्वामी चिदानंद जी महाराज बोले थे, तुम जैसे इस शरीर को मैं मान रखे हो, ऐसा अच्छी तरह समझो, मैं इस शरीर को मैं करके जैसे मान रखा हूं, ऐसा अगर परमात्मा है करके मान लेते हैं, तो परमात्मा तुम्हारे हाथ मुट्ठी में होते हैं। जैसे मैं अपने शरीर को मैं रूप में मानता हूं, ऐसे ही परमात्मा को अगर मान लेते, परमात्मा तुम्हारे हाथ मुट्ठी के खिलौना बन जाते। और कौन ऐसा खिलौना बनाया था? सूरदास याद नहीं आते हैं? सूरदास अंधा, जब भगवान का भजन करता था, भगवान उसके हाथ मुट्ठी में थे, बिना सुने रह नहीं सकते। वो गोपाल आकर के बैठ के उनके पास सुनता रहता था उनका भजन। भगवान बोले, सूरदास जो हो गया सो हो गया, तेरे को आंख दे दूं, बोल। सिद्धार्थ कहते हैं, भगवान इसे आंख से तेरे को देखता हूं, और किसको देखना है? क्या करूं उस आंख को लेकर के? नहीं चाहिए। तभी तो सूरदास लोगों को बोलते हैं ज्ञान चक्षु, उनका नाम अंधे लोगों को बोलते हैं, अंधा नहीं बोलना, अपमान हो जाता है। क्या बोलना हरिजन को? हरिजन आजकल बोलोगे तो गांधी जी का नाम देते हरिजन, और हरिजन एक सम्मान शब्द है, और अभी वो हरिजन बोलने से अपमान समझते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? जैसे जो अंगहीन है उनको क्या कहते हैं? दिव्यांग। और जो अंधे हैं उनको क्या कहेंगे? ज्ञान चक्षु।
ऐसे ही संसार को सबको बोलो, मना कौन करता है, मानो बोलो। एक सम्मान देना है किसी को, किसी को अपमान नहीं करना है, सबके अंदर वही है। तो इस तरह सत्य वस्तु के सदृश ये सत्य नहीं है ऐसा समझ जाओ राम, और हे वशिष्ठ तुम ऐसे ही समझो। शंकर भगवान संसार का उत्पत्ति को इसी ढंग से समझाए वशिष्ठ जी को, ये संसार कहाँ से आया, और मेरे मन में जो स्वस्तिक का आश्रम अभी भी बैठा है, इतना बड़ा स्वस्तिक का आश्रम जिसको ब्रह्मा ने बनाया था, वो विश्वकर्मा बनाया था, और जिसके चारों तरफ सूरज परिक्रमा करता है, और जिसमें 33 करोड़ देवताओं का और अनंत ऋषि मुनियों का सब स्थान है उस आश्रम में, स्वस्तिक का आश्रम, वह अभी भी मेरे मन के अंदर है। बताओ मेरा मन का आकाश कितना बड़ा होगा। इसी को कहते हैं वासना आकाश। तो इसी प्रकार सामान्य जगत में कथित न्याय का घटपट आदि विशेष पदार्थ में दिग्दर्शन करते हैं। अब इसको कल देखेंगे, फिर कल क्या देखेंगे, जैसे हमारा व्यवहारिक दुनिया है द्वैतमय नाम रूपात्मक और त्रिपुटी रूप कर्ता करण और कार्य, इसके रूप में जैसे हमारे जिंदगी का दैनिक जीवन हमारा बीतता है, उसके अंदर ये जो नाम रूप है घट पट इत्यादि, इसमें इसको कैसे देखना चाहिए, इसको हम कैसे व्यवहार में ले, क्योंकि व्यवहार जगत है। व्यवहार में तो वेद में तो सब लेना देना संबंध तो रखना पड़ता है, बिना संबंध से कोई रह नहीं सकते है। ग्लास के साथ मेरा संबंध है, हाथ के साथ मेरा संबंध है, कुर्सी के साथ मेरा संबंध है, कपड़े के साथ मेरा संबंध है, सबके साथ संबंध जोड़ रखा हूं, अनंत नाम रूपों के साथ मेरा संबंध है। तो ये जो व्यवहारिक दुनिया जिसमें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको कैसे लेना, कैसे देखना, और कभी भी कहीं भी जाओ एक सवाल उठता है हमेशा, स्वामी जी आजकल ये जो दुनिया है ना, इसमें जीवन इतनी चंचल हो चुका है, इतनी चीजों में हमको व्यवहार करना पड़ता है, हमको समय नहीं है, हम कैसे भगवान को ध्यान करें, भगवान को ध्यान कैसे करें, ध्यान लगता नहीं, मन चंचल है, कैसे भगवान का ध्यान करें, और जिंदगी इतनी व्यस्त है, ये व्यस्त जिंदगी के अंदर हमको समय कहाँ है कि हम भगवान के लिए ध्यान भजन करें, जप तप करें, सत्संग करें, हमारे पास समय कहाँ है। तुम्हारे पास समय नहीं है, अगर इसको कल विचार करेंगे घटपट इत्यादि, अगर तुम्हारे पास समय नहीं तो मैं बुलाता हूँ COVID-19 को, कहाँ जाओगे मैं देखूंगा। हाथ पैर बांध करके कमरे में क्वारंटाइन कर दूंगा, और फिर पता चलेगा समय कैसे नहीं। ये तो भगवान की दया है, भगवान ऐसे ही विपत्ति के अंदर दया को दिखाते हैं,
जो विपत्ति है वह संपत्ति का नाम है। चलो कल देखते हैं फिर। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।